आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश की प्रमुख कांवड़ यात्राओं में शुमार बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा ने कल देर शाम महू में बड़े ही धूमधाम से नगर में प्रवेश किया। विगत 20 वर्षों से बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा का सफल आयोजन गोलू शुक्ला के नेतृत्व में गोलू शुक्ला मित्र मंडल इंदौर द्वारा बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। आपको बताते चलिए, ये भव्य कांवड़ यात्रा में कांवड़ीय मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन और पवित्र शहर महेश्वर घाट से जीवनदायिनी मां नर्मदा का जल लेकर विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भगवान भोलेनाथ को अर्पण करते हैं। लगभग 135 किलोमीटर की इस यात्रा में गोलू शुक्ला अपनी मंडली के साथ, जिसमें हजारों की संख्या में भगवान भोलेनाथ के भक्त कांवड़िय कांवड़ में पवित्र जल भरकर झूमते गाते अलग अलग शहरों से होते हुए उज्जैन पहुंचते हैं, जिनका रास्ते में जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा भव्य स्वागत किया जाता है। इसी कड़ी में आज शाम महू नगर के प्रवेश द्वार पर स्थित ग्राम गवली पलासिया में पिछले 20 वर्षों से स्वागत कर रहे भोले के परम भक्त भूपेंद्र पाटीदार द्वारा अपने साथियों के साथ बड़े ही विशाल रूप में स्वागत किया गया, जहां भक्तों को केसरिया दूध और केलों की प्रसादी वितरित की गई। इस अवसर पर यात्रा प्रमुख गोलू शुक्ला ने चर्चा में बताया, इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को बुरे व्यसनों से दूर कर और आज की पब संस्कृति से बचाकर धर्म की ओर रुझान ही मेरा उद्देश्य है, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी अपने धर्म को समझे और इन दुर्व्यसनों से दूर रहे, तभी हमारा राष्ट्र उन्नति कर पाएगा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए महू से श्याम खांडेकर की रिपोर्ट। आज मानपुर से यात्रा प्रारंभ हुई, सुबह गवली पलाते हम लोग पहुंचे हैं, जहाँ मेरे अभिन्न मित्र भूपेंद्र पाटीदार जी विगत 20 वर्षों से कांवड़ यात्रियों का उत्साह वर्धन करते हैं। एक ऐतिहासिक स्वागत भूपेंद्र पाटीदार जी और पाटीदार परिवार द्वारा कई वर्षों से किया जा रहा है। सब कांवड़ यात्रियों के लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था यहाँ पर, पलार की व्यवस्था, दूध केले और सब खिचड़ी, सारी व्यवस्था भूपेंद्र भैया और उनके पूरे टीम के द्वारा की जाती है। भूपेंद्र भैया का भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। गोलू भी, आप 20 साल से कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों में धर्म के प्रति संवेदना जगाते हैं। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण कांवड़ यात्रा नहीं निकाल पाए थे, उस लोगों को जन संदेश नहीं दे पाए थे। इस बार आपके पास अच्छा जन समूह है, क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदू धर्म को? बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा विगत 20 वर्षों से निकल रही है। बोल में थोड़ी जोर से, इसमें युवाओं को अधिक से अधिक धर्म से जुड़ना, धर्म जागरण करने का जो उद्देश्य हमारा है, जगह जगह से आज कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं। कोई महू से जाना पाव से महू जा रहा है, कोई महू से विकम्बर जा रहा है, जगह जगह से गांव गांव करके करके में कांवड़ यात्राएं भगवान भोलेनाथ को धर्म का जो प्रचार हुआ, हम हमारे कार्य में सफल हुए। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को व्यसन से मुक्त हो, युवा नशे से दूर रहें और अधिक से अधिक हमारे धर्म से जुड़े, यही हमारी यात्रा का उद्देश्य है। 18 तारीख को हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी, तो 25 तारीख को सावन के दूसरे सोमवार को भगवान महाकालेश्वर का जलाभिषेक करके यात्रा संपन्न होगी। यात्रा में कांवड़ यात्री सब यही प्रार्थना करेंगे, सब सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, सब निरोगी रहें, सब अच्छे रहें, यही हमारी भगवान महाकालेश्वर से। बोलो जी, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कांवड़ यात्रा के? युवाओं को मेरा यही संदेश है कि पब की संस्कृति न अपनाएं, धर्म के मार्ग में चलें। धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो जो भी उनकी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी, जो भी इच्छा मन में होगी वो सब पूरी होगी। इसलिए युवा अधिक से अधिक जुड़े भी हैं और युवाओं को हम जागृत भी कर रहे हैं।